जो भी लोग अच्छा कर्म करते हैं और जो भी लोग बुरा कर्म करते हैं, जो भी लोग अच्छे होते हैं और जो लोग बुरे होते हैं, उन सभी को अपने कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य ही भुगतना पड़ता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इतना जानेंगे कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। भगवान गौतम बुद्ध की एक कहानी से हमको इस प्रश्न का उत्तर बड़ी ही सहजता से मिल जाएगा। तो चलिए, आज हम आपको गौतम बुद्ध की एक रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध के समय में उनका एक अनुयायी हुआ जिसका नाम था महाकाल। महाकाल सच में एक बहुत ही अच्छा और धार्मिक व्यक्ति था। वह लोगों की मदद करता, गरीबों को दान देता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता और बुद्ध द्वारा बताए गए पंचशीलों का पालन करता, अर्थात हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, यह व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना। इसके साथ ही वह बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान और साधना का अभ्यास भी करता। वह हर पूर्णिमा और अमावस्या को बौद्ध आश्रम में होने वाले उप औसत में हिस्सा लेता और पूरी रात बुद्ध के प्रवचन सुनता। ऐसे ही एक आवश्यक के दिन उसने उपोषण किया और रात को बुद्ध के प्रवचन सुनने लगा। और सवेरे जब बुद्ध के प्रवचन समाप्त हुई तो आश्रम से निकलकर वह पास के ही तालाब में नहाने के लिए चला गया। उसी रात उस गांव में कुछ चोर एक घर में चोरी करने के लिए गुस्से हुए जेवर वो चोरी करके भाग रहे थे तो गलती से एक चोर का पैर बर्तन से टकरा गया और बर्तनों की आवाज से घर के लोग जाग गए। चारों तरफ हल्ला मच गया कि गांव में चोर गुस्से हैं। मोहल्ले के लोगों ने चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो चोर कहने जेवरात की पोटली लेकर भागते रहे, लेकिन जब उन्हें महसूस हो गया यह बचना संभव नहीं है, पकड़े जाएंगे, तो तालाब के पास से जाते हुए चोरों ने सारे गहने जेवरात महाकाल के कपड़ों के पास फेंक दिए और वहां से भाग गए। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चोरी का सारा सामान तो इस व्यक्ति के कपड़ों के पास पड़ा हुआ है। सभी लोगों ने महाकाल को ही चोर समझ लिया और तालाब से बाहर निकालकर उसे मारना शुरू कर दिया। वह कहता रहा कि मैं चोर नहीं हूं, मैं तो रात भर प्रवचन सुनकर आया हूं और यहां सिर्फ स्नान कर रहा था। मुझे नहीं पता यह चोरी का सामान यहां कैसे आ गया। लेकिन भीड़ ने उसकी एक न सुनी और यह कहते हुए और मारने लगे कि अच्छा, चोरी करने के बाद अब नाटक कर रहा है कि मैं अच्छा आदमी हूं, प्रवचन सुनकर आ रहा हूं। गुस्साई भीड़ ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई और उस मृत महाकाल के शरीर को वहीं छोड़कर लोग अपने अपने घर चले गए। सुबह जब आश्रम के कुछ हिस्से तालाब में पानी लेने के लिए आए तो उन्होंने महाकाल के मृत शरीर को तालाब के पास पड़ा देखा। उसने पर पता चला कि चोरी के आरोप में लोगों ने महाकाल को पीट पीट कर मार दिया। शिष्यों ने बुद्ध के पास जाकर यह दुखद खबर सुनाई कि बेचारे उपासक महाकाल को लोगों ने मार दिया, उसे उस गलती की सजा मिली जो उसने की भी नहीं थी। बुद्ध शिष्यों के द्वारा की जा रही अलग अलग बातों को बस ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य बुद्ध से पूछ लिया, बुद्ध, यह बात तो आप भी जानते हैं कि महाकाल कितना अच्छा इंसान था, उसने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर उसके साथ इतना गलत क्यों हुआ? बुद्ध ने कहा, महाकाल इस जन्म में तो अच्छा था, लेकिन आज जो भी उसके साथ हुआ, ये उसी के कर्मों का फल है जो उसने पूर्व जन्म में किए थे। अपने पिछले जन्म में महाकाल वाराणसी के राजा के यहाँ एक राज अधिकारी था। वाराणसी के पास एक बड़ा सा व्यावसायिक गांव था जहां पर पहुंचने के लिए एक जंगल को पार करना पड़ता था। लेकिन उस जंगल में कुछ लुटेरे रहते थे जो कि वहां से गुजरने वाले राहगीरों और छोटे व्यापारियों के सामानों को लूट लिया करते थे। व्यापारियों ने वाराणसी के राजा से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई तो वाराणसी के राजा ने अपने उस राज अधिकारी को कुछ सैनिकों के साथ व्यापारियों से कुछ धन लेकर उन्हें जंगल पार कराने के काम पर नियुक्त कर दिया। राज अधिकारी महाकाल भी अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा था। वह लोगों से कुछ धन लेता और अपने सैनिक भेजकर उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवा देता। एक शाम पति पत्नी का एक जोड़ा अपनी छोटी सी बैलगाड़ी में बैठकर राज अधिकारी के पास आता है और धन के बदले उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवाने के लिए कहता है। लेकिन राज अधिकारी यह कहते हुए उन्हें मना कर देता है कि अभी जल्दी रात होने वाली है, इसीलिए वह उनकी और अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकता, उन्हें जंगल पार करने के लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। वह पति पत्नी बहुत आग्रह करते रहे कि अभी रात होने में बहुत समय है, वह भी जंगल पार करा दे। लेकिन राज अधिकारी नहीं मानता और भी सलाह देता है कि वो रात भर यही रुके।
उनके रहने और खाने की व्यवस्था वह खुद करवाएगा। पति पत्नी को मजबूरन उस राज अधिकारी की बात माननी पड़ती है। असल में उस राहगीर की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसे देखकर राज अधिकारी उस पर मोहित हो गया था। उस पर काम वासना हावी हो जाती है, और जो व्यक्ति पर काम वासना हावी हो जाती है तो उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आता। वह आसक्ति की आग में जलकर अंधा हो जाता है, और यही उस राज अधिकारी के साथ भी हुआ। उसने उन दोनों पति पत्नी के रहने और खाने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन साथ ही वह उसकी पत्नी को पाने की तरकीबें सोचने लगा। उसे एक तरीका समझ आया। उसके पास एक बड़ा सा हीरा था। उसने उस हीरे को रात में चुपके से उस आदमी के बैलगाड़ी के सामान में छुपा दिया, और सुबह होते ही हल्ला मचा दिया कि उसका कीमती हीरा किसी ने चोरी कर लिया है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर एक व्यक्ति के सामान की तलाशी लेने के बाद ही उसे आगे जाने दिया जाए। सैनिकों ने तलाशी ली तो योजना के अनुसार हीरा उस पति पत्नी की बैलगाड़ी के सामान्य छुपा मिला। राज अधिकारी उस व्यक्ति को सभी के सामने यह कहते हुए पीटने लगा कि मैंने तेरे रहने और खाने की व्यवस्था किया, और तूने मेरे साथ गद्दारी की। उसके साथ उसके सैनिक भी उस आदमी को पीटने लगे, और पीटते पीटते उस व्यक्ति की मौत हो गई। बाद में राज अधिकारी ने अपने रुतबे और दौलत के दम पर उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया, क्योंकि पिछले जन्म में महाकाल ने सिर्फ उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए उसके पति पर झूठा आरोप लगाकर बेवजह उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। इसीलिए पिछले जन्म में ही उसकी मृत्यु के पश्चात उसे नर्क प्राप्त होता है, और नर्क में बहुत दुख भोगने के बाद उसे इंसानी जीवन मिलता है। लेकिन इस जीवन में भी उसके पिछले कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते, और उसके साथ ही वैसा ही होता है जैसा उसने उस स्त्री के पति के साथ किया था। महाकाल को उस चोरी की सजा मिलती है जो उसने की भी नहीं थी। उसने इस जन्म में तो अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से आज उसकी यह दुर्गति हुई है। बुद्ध ने आगे कहा, तो फिर भिक्षुओं, अगर इस जन्म में किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता है तो उसके पुराने जन्मों के पाप ही होते हैं, जिनका फल उसे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने आज के कर्मों को सुधारो, ताकि तुम्हारे आने वाले जन्म भी सुधर जाए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे कर्म का फल हमें ना सिर्फ इस जन्म में भुगतना पड़ी रहता है, बल्कि अगले जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ डाहता। आज हम अपने स्वार्थ में आकर किसी और के साथ बुरा कर रहे हैं, लालच और ईर्ष्या में कई बुरे काम कर करते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं उनके कर्म उन्हें ना सिर्फ इस जन्म में भुगतना है, बल्कि अगले जन्म में भी भुगतना पड़ी रहेगा। इसलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे हम और हमारा परिवार सुखी रहे। अगर आपको यह गौतम बुद्ध की कहानी से कुछ सीखने को मिला हो और यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।